ऐतिहासिक रहा राहुल गांधी का विंध्य दौरा, रोजगार पर किया फोकस, तो सरकार बनने के महज 10 दिन बाद कर्ज माफी की कही बात। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राम की नगरी चित्रकूट से अपने दौरे की शुरुआत की। गुरुवार को उन्होंने सतना में सभा को संबोधित किया। उसके बाद सज्जनपुर रामपुर बेला होते हुए राहुल गांधी रीवा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रोड शो करते हुए सिरमौर चौराहे में सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने व्यापम और ई टेंडरिंग जैसे मुद्दों को उठाया, तो शहर के नवनिर्मित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम उसे ई टेंडरिंग का कमाल बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो इन सभी घोटालेबाजों को जेल का रास्ता देखना पड़ेगा। अपने भाषण के दौरान बातचीत के अंदाज में सरकार पर हमला बोलते हुए साथ में राहुल गांधी ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो महज 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। रोजगार के लिए भटक रहे प्रदेश के युवा वर्ग को प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा। 17 मिनट के भाषण के दौरान उनके कई अंदाज देखने को मिले। राजनिवास में रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफिला बैकुंठपुर लालगांव के लिए रवाना हुआ, जहां उनके भव्य स्वागत के साथ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का रीवा दौरा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर से बेहतर प्रदर्शन की ओर इशारा कर रहा है। आइए आपको सुनाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या क्या कहा। मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में 4.5 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अब यहां हजारों युवा दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आपको वायदा किया था कि हर साल वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या नरेंद्र मोदी जी ने आपसे सच बोला था या झूठ? जहां भी देखो, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? दीपक सिंह जी, ये फोन घुमा के देखो, इस पे मेड इन चाइना लिखा है। मोदी जी ने आपसे कहा था कि 4 साल 5 साल के अंदर इस फोन के पीछे मेड इन इंडिया, मेड इन मध्य प्रदेश लिख के दिखाएंगे, मगर उन्होंने आप सबसे झूठा वायदा किया। आपको कहा रोजगार मिलेगा और सच्चाई पता लगी 4.5 साल बाद कि नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी युवा को हिंदुस्तान में रोजगार नहीं दिया। आपका नाम क्या है? नितिन। आपने राफेल हवाई जहाज का नाम सुना है? नितिन, राफेल हवाई जहाज कहां बनता है? फ्रांस में बनता है। नितिन, आपको मालूम है कि यूपीए सरकार ने राफेल की कंपनी से एक हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए में खरीदने का सौदा किया था। राफेल हवाई जहाज की कंपनी को कहा था कि अगर राफेल हवाई जहाज खरीदा जाएगा तो एचएएल बनाएगी और नितिन जैसे युवाओं को बेंगलोर में, बाकी प्रदेशों में रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। नितिन, आपने अनिल अंबानी का नाम सुना है? नरेंद्र मोदी जी ने जिस
जिस जहाज को यूपीए ने 526 करोड़ के लिए खरीदा, उस हवाई जहाज को नितिन नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा है। नितिन, आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी के जेब में कितना पैसा डाला? भाई और बहनों, देश के चौकीदार ने अनिल अंबानी की जेब में एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपया डाला। एयरफोर्स का पैसा, आपका पैसा, नितिन का पैसा, मध्य प्रदेश का पैसा, युवाओं का पैसा। हमने जाके पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी जी से चार सवाल पूछे। मोदी जी, अनिल अंबानी ने पूरी जिंदगी हवाई जहाज नहीं बनाया, आप जानते हो? नरेंद्र मोदी जी, अनिल अंबानी ने अपनी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, एचएल ने मिग हवाई जहाज बनाया, सुखोई हवाई जहाज बनाया, जैगवार हवाई जहाज बनाया, हॉक हवाई जहाज बनाया, एएलएच हेलीकॉप्टर बनाया। एचएल पे कोई कर्जा नहीं। अनिल अंबानी 45,000 रुपए बैंक का पैसा लेकर बैठा हुआ है। सरकारी कंपनी से नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र को एचएल से छीनकर राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट दिया। हमने पार्लियामेंट हाउस में, जैसे मैं आंख मिला रहा हूं ना आपसे, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर। जैसे मैं आंख मिला रहा हूं ना तुमसे, वैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी जी से आंख मिला के पूछा, मोदी जी अनिल अंबानी को क्यों दिया? मोदी जी एचएल से क्यों छीना? मध्य प्रदेश और बाकी प्रदेशों के युवाओं से रोजगार क्यों छीना? पता है नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? मैंने ऐसे आंख पे आंख मिलाई, नरेंद्र मोदी जी कभी यूं करें, कभी यूं करें, कभी यूं करें, कभी उधर देखें, कभी उधर देखें, आंख में आंख नहीं मिला पाए। पता है आंख में आंख कौन नहीं मिला पाता है? जो चोरी करता है। भाई और बहनों, देश का चौकीदार चोरी कर गया। देश के चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाले। आपको झूठे वायदे, देश के किसानों को झूठे वायदे, देश के छोटे दुकानदारों को झूठे वायदे, और अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी क्या काम करेगी। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, मध्य प्रदेश के किसानों, आप सुन लो, आपका कर्जा माफ करके दिखाएंगे। मोदी जी ने अनिल अंबानी का 45,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करने की कोशिश की। विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए देके भगा दिया। ये देखो, पुलिस। अच्छा भैया, मेरे भाषण में सिंधिया जी एक लाइन डालना चाहते हैं, सुनिए उनकी बात। यार रीवा में ऐसी ही मोनोपोली चल रही है, समदड़िया ग्रुप और भाजपा के ऊर्जा मंत्री के बीच में। तो जैसे देखिए, ये पुलिस वाले खड़े हैं शिवराज जी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब ये देखिए, ये सब खड़े हुए हैं, अब मान लीजिए। भैया आपका नाम क्या है? हाँ, दिनेश जी आप पुलिस में काम करते हो, मैं आपको फंसाना नहीं चाहता हूं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। दिनेश जी, अगर आपके पास, अब आप पुलिस स्टेशन में हो और कोई चोर आपके पास आता है और कहता है, भैया दिनेश जी मैं पुलिस स्टेशन से भाग के जाना चाह रहा हूं, अगर आपने उसको जाने दिया तो आपके साथ क्या होगा?
सजा होगी, आपको जेल में डालेंगे। तो दिनेश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर विजय माल्या से 9000 करोड़ रुपए जिसने चोरी किए, अगर हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर विजय माल्या से मिलता है और विजय माल्या अरुण जेटली से कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूं, और अगर अरुण जेटली कहता है हां जी जाइए, तो अरुण जेटली के साथ क्या होना चाहिए? दिनेश जी आप मुझे समझाइए, आपको जेल में डालने के लिए तैयार है, मगर अरुण जेटली को क्यों जेल में डालने के लिए तैयार नहीं है? अरुण जेटली जी ने 9000 करोड़ रुपए के चोर को भागने दिया, ना उन्होंने सीबीआई को बताया, ना उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को बताया, और अरुण जेटली जी प्रेस को कहते हैं हां विजय माल्या मेरे पास आया, हां विजय माल्या ने मुझे बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं, हां मैंने उसको भागने दिया। ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, लाइन लगी हुई है। भाई और बहनों, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ये हिंदुस्तान की सच्चाई। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। सिंधिया जी, कमलनाथ जी पूरी जिंदगी लगा देंगे, 24 घंटे युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। ये आप अपना फोन देखो, देखिए मैं आपको, आपने सरदार पटेल जी का नाम सुना है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल की मूर्ति गुजरात में बनाने का काम किया। कहते हैं सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात में बनेगी। पता है मूर्ति कहां बनी? चाइना, चीन में बनी सरदार पटेल जी की मूर्ति। इससे बड़ा अपमान सरदार पटेल का किया जा सकता है क्या? सरदार पटेल जी ने हिंदुस्तान को बनाने का काम किया, और सरदार पटेल की मूर्ति के पीछे लिखा हुआ है मेड इन चाइना। किसने बनाई? नरेंद्र मोदी जी ने। हम चाहते हैं कि आपके सेलफोन के पीछे, आपकी शर्ट के पीछे, आपके जूते के नीचे मेड इन मध्य प्रदेश लिखा जाए। हम चाहते हैं मेड इन इंडिया लिखा जाए। हम चाहते हैं मेड बाय एचएल लिखा जाए। छोटे दुकानदारों को, मिडिल साइज बिजनेसमैन को, स्मॉल बिजनेसमैन को हम बैंक से लोन दिलवाना चाहते हैं। हम एंटरप्रेनर्स को, छोटे छोटे जो बिजनेस चलाते हैं युवाओं को बैंक का लोन देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 15 लोगों को बैंक का लोन देते हैं, 1,50,000 करोड़ रुपया 15 लोगों का माफ किया है। ये सच्चाई है हमारे देश की, और इसको हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के किसान को लगे, युवा को लगे, छोटे दुकानदार को लगे, पुलिस वाले को लगे कि मध्य प्रदेश में भी मेरी सरकार है, मध्य प्रदेश में मुझे भी फायदा मिलता है। यह फर्क है हमें और में। देखिए पुलिस वाले मुस्कुरा रहे हैं, आप हमारी बात समझ रहे हो। आपको दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। भाई और बहनों, रात का समय है, आप दूर दूर से आए, आपने इतना प्यार दिखाया हमें, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, पहले गलती हो गई, हम पहले निकल गए और आपको यहां रुकना पड़ा, आपको कष्ट हुआ, इसके लिए दिल से बहुत बहुत व्यापम। आमतौर से शिक्षा का सिस्टम लोगों को, युवाओं को अपॉर्चुनिटी देता है। शिवराज चौहान जी ने
मध्य प्रदेश के शिक्षा के सिस्टम को बेचने का काम किया। 50 लोगों की हत्या हुई। अच्छा भाइयों और बहनों, आपने ई टेंडरिंग सुना है? ई टेंडरिंग मतलब भ्रष्टाचार। देखिए, जिन्होंने हिंदुस्तान की वायुसेना से चोरी किया, जिन्होंने राफेल मामले में चोरी किया, उन पर हम कार्रवाई करके दिखाएंगे। मगर जिन्होंने व्यापम में चोरी की, जिन्होंने ई टेंडरिंग में चोरी की, उनको भी हम पकड़ के जेल में डालने वाले हैं। अच्छा, ये इस साइड देखिए, ये देखिए, किसी को चोट तो नहीं लगी भैया? नहीं लगी? ध्यान से, ध्यान से। अब ये देखिए, इस इमारत को देखिए, ये भी है ई टेंडरिंग का जादू, ई टेंडरिंग का जादू। समदड़िया ग्रुप की सुंदर बिल्डिंग देखिए, आपके सामने डायरेक्ट समगड़िया ग्रुप की बिल्डिंग ई टेंडरिंग से की गई। एक व्यक्ति को आपकी पूरी की पूरी जायदाद। भाई और बहनों, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी करेंगे भैया, अभी करेंगे। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल भैया, उनसे पूछे कौन किस पर प्रेशर डालना, ये प्रश्न तो आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार और मायावती जी दे सकती है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। आपका मन क्या था? देखिए, हमने हमारा प्रयास था कि हमारा समझौता हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी को वोट के विभाजन से, वोट के बिखराव से फायदा ना हो। सिंधिया जी, हमारा लक्ष्य था। सिंधिया जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची कब तक में जारी करेंगे? कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार, जनता के आशीर्वाद के आधार पर हमारी कोशिश थी कि एक गठबंधन हो, सारे एक सोच विचारधारा के दलों के साथ, जिनके मूल्य और सिद्धांत एक, ये हमारी आज भी चेष्टा है। लेकिन जैसे कमलनाथ जी ने कहा, हर पार्टी स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, और उस पद पर हम लोग भी अपना निर्णय लेंगे, लेकिन ये हमारी जरूर कोशिश। व्यापम पे आप लोगों के ऊपर एफआईआर है, दोनों ऊपर क्या हो गया? सिंधिया जी, व्यापम एक और आपको सूचना देना चाहता हूँ। अरे पहले व्यापम बोला बता दीजिए। जो मध्य प्रदेश वैश्य समाज के उपाध्यक्ष है, ये भी कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं। व्यापम से कैसे निपटेंगे? देखिए, जहाँ तक भाजपा सोचे कि कांग्रेस का कोई नेता, क्या कोई भी कार्यकर्ता उनके दबाव में आने वाला है, उनको जवाब हम दे दें कि हम ना कभी डरे हैं ना झुके हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, और सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती। और ये 27 नवंबर को सबके सामने आएगा, जब जनता जो वर्तमान में भाजपा की जनसभा में कुर्सी ट्रेन में और बस में खाली थी, अब भोपाल में भी भाजपा की कुर्सी खाली होने वाली है।